चलिए फ्रेंड्स, लॉज ऑफ मोशन में मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको आर्टिकल नंबर 5.10, जिसकी की हेडिंग है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पार्ट थोड़ा सा इसका डिस्कशन मोशन इन अ प्लेन पे कराया गया था प्रोजेक्टाइल के साथ, क्योंकि सर्कुलर मोशन होता तो एक प्लेन में ही है, तो मोशन इन अ प्लेन में भी इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट दिए गए थे और बाकी कुछ मैकेनिक्स इसकी आगे की जा रही है। काइनेमेटिक्स इसकी पहले पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स इसकी अब पढ़ रहे हैं। कहते वी हैव सीन इन चैप्टर 4 दैट एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी moving in a circle of radius r with uniform speed v is v square by r directed towards the center. So pehle to heading chaliye yahi likh dijiye, question likh dijiye what is the formula of centripetal force. Heading hai circular motion aur usko questions ke zariye hum pad rahe hain, aur pehla question hai ki what is the formula and direction of centripetal force. फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। अगर आप सेंट्रीपेटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपेटल वाला ले लिया जाएगा, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किट। सेंट्रीपेटल का मतलब ही होता है सीकिंग द सेंटर, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एंड द सेंट्रीपेटल फोर्स इज आल्सो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। फॉर्मूला इसका ये एम वी स्क्वायर बाय आर है। हम इसे ए की ए को ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, वी स्क्वायर बाय आर और एक ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये फॉर्मूला ऑफकोर्स 5 स्टार वाला हो गया, ये फॉर्मूला 5 स्टार वाला हो गया। M is the mass of the body. That this force directed towards the center is called a centripetal force. फिर stone की बात कर रहा है, तो फिर से मैं question के रूप में आपसे बात करूंगा, लिखिए। Which force provides the necessary centripetal force? Which force provides the necessary centripetal force for circular motion of a stone? For circular motion of a stone in horizontal plane, circular motion of a stone in horizontal plane tied to a string, string, string. एक पत्थर है, हमने उसे धागे से बांधा है और हम उसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं, तो क्या था कौन सा फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है? इसका आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं, और 5 स्टार दे दीजिए पहले जो स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूं। 5 स्टार ये है कि इन द डायग्राम द रियल फोर्स मार्क टुवर्ड्स द सेंटर, रियल फोर्स मार्क टुवर्ड्स द सेंटर प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड centripetal force, provides the required centripetal force for circular motion. आप हमेशा इसका एक डायग्राम बनाया करें, और डायग्राम में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ मार्क कर रहा है बस वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल है ये, और पत्थर यहाँ पर है, और धागा यहाँ पे है स्ट्रिंग, और धागा है तो हम जानते हैं एक फोर्स है उसका नाम है टेंशन। ये फोर्स ये सेंटर है, ये धागा, धागे में तो फोर्स है टेंशन होता है, जब आप स्ट्रिंग को घुमाते हैं तो धागा खिंच जाता है, तो धागे में जो फोर्स होता है टेंशन होता है, और बस वह इस समय सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना हो तो इस पे फोर्स विल बी अवे, दूर की तरफ मार्क करना है, यानी सेंटर की तरफ मार्क करना है, बस आंसर है टेंशन। रूल हमने ये बना लिया, वो 5 स्टार जिस पर हमने दिए थे वो रूल था कि हम जरूर डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ मार्क्ड होगा हम बोलेंगे यही नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यही रूल बना लीजिए बस, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ मार्क्ड होता है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, बस वही फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये एक बढ़िया रूल बना लीजिए कि हम डायग्राम बनाया करेंगे, और डायग्राम में जो भी
इसके एफबीडी बनाएंगे, इसमें वेरियस फोर्सेस मार्क करेंगे, और जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होगा, सर्किल के सेंटर की तरफ होगा, बस बोल देंगे कि यही इसका एक और नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस समय सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो टेंशन है, तो हम ये बोल देंगे कि यही टेंशन को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय टेंशन। इसी तरह फिर से एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि डिस्कस द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, डिस्कस द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। ऑफ कोर्स हम ये जानना चाहते हैं कि इस मोशन के लिए, इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये सन है और इसके आसपास ये सर्कुलर मोशन प्लैनेट का माना जा सकता है, तो सेंटर पे बना लेते हैं फिलहाल। ये सन है और आप जानते हैं दोनों के बीच में एक जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर वाला फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और प्लैनेट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको बस यही बोलना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द प्लैनेट, फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। तो ये तो इन पे तो मैंने स्टार दिया नहीं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अब थोड़ी सी काम की बात आ रही है और क्वेश्चन लिख दीजिए, डिस्कस फोर्सेस व्हेन अ कार ट्राइज टू टेक सर्कुलर टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। डिस्कस फोर्सेस व्हेन अ कार ट्राइज टू टेक अ टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड पे कार एक टर्न लेने की कोशिश कर रही है, उस समय फोर्सेस की बात करें या जो भी हैपनिंग हो रही है उसकी बात करें, क्योंकि ये थियरी है इसलिए इसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, हालांकि बातें तो पूरी करेंगे। तो सर्कुलर रोड पे मान लीजिए गाड़ी पहले स्ट्रेट जा रही थी, अचानक मोड़ आया और हमने अपना गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया, तो एक्चुअली गाड़ी के स्टीयरिंग के मोड़ने से कुछ नहीं होता है, उससे सर्कुलर स्टीयरिंग मोड़ने से गाड़ी में सर्कुलर मोशन पैदा हो गया ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं जो भी मोशन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है। बेसिकली क्या होता है, आप इस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी जा रही थी और आपने अचानक मोड़ दी, तो आपकी गाड़ी इनर्शिया के कारण यहाँ जाना चाहती थी, आपकी गाड़ी इनर्शिया के कारण यहाँ जाना चाहती थी पर वो यहाँ है, वो जाना यहाँ चाहती थी पर मान लीजिए फाइनली वो यहाँ आ गई है, इनर्शिया के कारण तो वहीं जाते जा रहना चाहेगी, तो मतलब गाड़ी में टेंडेंसी तो यही होगी इधर जाने की। हम बहुत ज्यादा डीप थ्योरी में नहीं जाना चाहते पर बस ऐसा लिख दीजिए कि ड्यू टू इनर्शिया कॉमा आफ्टर टेकिंग द टर्न या मतलब जैसे ही टर्न लेने की कोशिश की जाती है, The vehicle tends to slide outwards. इस सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ के कॉन्टेक्स्ट में व्हीकल बाहर स्लाइड करना चाहता है। टेंडेंसी तो यही है क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाता तो वो यहाँ होता, पर वो सर्कुलर पाथ में आ गया है तो यहाँ है, टेंडेंसी तो उसमें आगे जाने की है। तो बस आपको हल्का सा इतना सा ध्यान रखना है, इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट ना ले, ज्यादा सोचने की कोशिश भी ना करें, थियरी में ज्यादा दिक्कत ही देगा, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, ओवरथिंकिंग होगी कि अगर आपने अपना पाथ चेंज कर लिया है तो वो तो सीधे जाना चाहेगा, तो उसमें टेंडेंसी तो बाहर जाने की है। बस अगली लाइन में लिख दीजिए, सिंस टेंडेंसी इन द व्हीकल इज टू स्किड आउटवर्ड्स, स्किड बोल सकते हैं उसको, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जानते तो हैं, साइकिल वाइकिल चलाते भी अचानक से जब आप सडनली टर्न ले लेते हैं तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड हो जाती है,
since the tendency in the vehicle is to skid outwards, friction starts acting inwards. फ्रिक्शन को तो एक्सपेक्टेड मोशन को अपोज करना है, इंपेंडिंग मोशन को अपोज करना है. टेंडेंसी है आप में बाहर फेंक दिए जाने की. इनर्शिया चाहेगा, इनर्शिया के शब्दों में मैं अगर खुले शब्द कहूं तो मैं कहूंगा इनर्शिया चाहेगा कि आपको बाहर फेंक दे. वो चाहेगा कि आप यहीं रहो. इनर्शिया चाहेगा कि आप यहाँ से यहाँ पहुंचो, आप यहाँ से यहाँ ना पहुंचो. तो इनर्शिया चाहता है कि वो गाड़ी को हल्का सा तो पीछे फेंकता ही फेंकता है. जैसे ही आप टर्न लेना चाहते हो ना, इनर्शिया तो चाहता है कि नहीं, गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलती चले. तो टेंडेंसी तो व्हीकल में बाहर की तरफ जाने की ही होती है. तो बस अब जमीन को, अब ये अगर गाड़ी बाहर की तरफ प्रेस करेगी तो जमीन इसको अंदर की तरफ प्रेस करेगी, और इस पे अंदर एक फोर्स काम करता है, और इसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं. फ्रिक्शन इनवर्ड्स है, फ्रिक्शन इनवर्ड्स है. और अब अगर मैं डायग्राम बना लूं, मान लीजिए ये ऐसा है, यहाँ से स्ट्रेट था, फिर ये सर्कुलर टर्न आया और गाड़ी ऐसे चली गई, तो यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ काम करता है. ये ऐसा इस समय जितनी सी सर्कुलर आर्क है, ये इसका पूरा सर्किल होता. अब अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हम बोलेंगे, डायग्राम बना के बोल दीजिए, द ओनली रियल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, द ओनली रियल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क. हमने सर्कुलर आर्क ही है हमारी जिसपे हमने टर्न लिया है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क इज फ्रिक्शनल फोर्स. इस फ्रिक्शनल फोर्स टेंडेंसी है बाहर जाने की, इंपेंडिंग मोशन आउटवर्ड्स है, तो फ्रिक्शन इनवर्ड्स है, एंड देयरफॉर फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. बस आप जब सर्कुलर टर्न लेते हैं साइकिल में या टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में, तो आप ये मत सोचिए कि आपने स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी ने टर्न ले लिया. बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको पता भी नहीं लगता, और नहीं सर अपने आप करते चली जाती है आपके लिए. हमें एहसास ही नहीं होता, हमें लगता है कि हमने टर्न लिया है, पर एक्चुअली ये होता है कि आप जमीन को पीछे मारते हो, जमीन आपको आगे मारती है. आपकी बॉडी में जब तक बाहर से फोर्स नहीं आएगा तो कोई मोशन नहीं हो सकता. आप मोशन की सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक फोर्स बाहर से आना चाहिए. एक रियल फोर्स फ्रिक्शन का काम करता है आपके ऊपर अंदर की तरफ, तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं. एनीवे, ये थियोरी हम याद करना चाहेंगे. हम इसको 3 स्टार देते हैं. इस मैंने प्लैनेट प्लैनेट पे तो स्टार नहीं दिलवाए. सर्कुलर मोशन जब आप रफ रोड पे ले रहे हो, तो रोड पे तो यार फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स हो भी नहीं सकता. किसी ने आपकी गाड़ी को रस्सी पकड़ से बांध के तो खींच नहीं लिया है. ऐसा होता तो हम कहते हैं रस्सी में जो टेंशन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. रोड पे जहाँ और तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, वहां सिवाय फ्रिक्शन के तो और कुछ हो भी नहीं सकता. जहां आपको कुछ ना दिखे, कोई कॉन्टैक्ट ना दिखे, कोई रस्सी ना दिखे, कोई क्रेन ना दिखे, या कुछ भी ना दिखे, वहां जरूर फ्रिक्शन ही होगा. तो फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, हम 3 स्टार देना चाहते हैं आपकी बात. सर जब गाड़ी घूमी तो स्टीयरिंग से क्या फायदा मिला हमें? स्टीयरिंग से केवल आपने ना टायर, स्टीयरिंग का कनेक्शन टायर से है. यस सर. की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी. सर तो उससे जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. उसने केवल इंडिकेशन दिया सड़क पे, इरेगुलरिटीज को दबाया उधर उसी डायरेक्शन में, और उसने बाहर से फ्रिक्शन जनरेट किया. हुआ तो सब कुछ हमारे करने से ही है, पर फिजिक्स की भाषा में ये फोर्स जब तक बाहर से नहीं आएगा तब तक ये होगा नहीं. आपने स्टीयरिंग जैसे ही घुमाया तो टायर तो तुरंत मुड़ गए, स्टीयरिंग का कॉन्टेक्ट टायर से है. Yes. अब उनको डायरेक्शन पलटनी है. डायरेक्शन पलटने के लिए पर ये इंटरनल फोर्स से कुछ होगा नहीं, बाहर से फोर्स आना चाहिए. नहीं तो ये गाड़ी अगर ऐसा ना हो, स्मूथ रोड पे आप ऐसा करेंगे जहाँ फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हो, तो वहां गाड़ी बाहर स्किड हो ही जाती है. टायर तो आपने मोड़ दिए पर जमीन से सपोर्ट मिला नहीं, तो फिर टायर मोड़ने से अकेले तो कुछ नहीं हुआ, फिर तो गाड़ी स्किड हो ही गई बाहर. इनर्शिया के जो इनर्शिया चाहती थी फिर वो हुआ. सडनली आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे बिना एक्सटर्नल फोर्स के, तो वो होगा जो इनर्शिया चाहता है. ऑलराइट, द सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ फ्लैट रोड एंड बैंक्ड रोड गिव इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ मोशन. यानी अब हमें सर्कुलर मोशन में बस दो ही चीजें और पढ़नी है, एक तो सर्कुलर मोशन फ्लैट रोड पे, लेवल रोड पे, और एक फिर बाद में बैंक रोड पे दे रहा है. तो हेडिंग दे दीजिए, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड.
motion of a car on a level road. Level का मतलब होता है flat road. तो flat तो है ये, flat तो है पर circular है. Bracket में लिख दीजिए. Flat circular track. Flat है पर circular track है. Motion of a car on a level road में हम उसके horizontal straight line में चलते जाने की बात नहीं कर रहे. ये horizontal सड़क horizontal ही है सब कुछ. Same level पे है पर circular track है. सर्कुलर ट्रैक पे हम गाड़ी चलाना चाह रहे हैं. इसके अब हम मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं. थियोरी से तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा. अब हमारा कहना है कि भाई जब तुम सर्कुलर टर्न लेते हो तो फ्रिक्शन तुम्हारी मदद करता है. तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ सर्कुलर मोशन को टर्न लेने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है. ऐसा लिख दीजिए. हम इसकी मैथमेटिक्स में जा रहे हैं. थियोरी तो हम पढ़ ही चुके हैं. लिखे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इसकी वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाय आर. जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एम वी स्क्वायर बाय आर है. अगर आपके कार का मास एम है और आप जिस टर्न में रेडियस ले रहे हैं वो आर है और कार की वेलोसिटी फिलहाल वी है तो आपको इस समय जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो एम वी स्क्वायर बाय आर है. और अगली लाइन में लिख दीजिए दिस इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन. दिस इज टू बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन. ऐसा लिख देते हैं दिस इज टू बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इसे प्रोवाइड करना चाहे फ्रिक्शन के द्वारा हम इसे ऑब्टेन कर रहे हैं. दिस इज टू बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन. और फिर अगली लाइन में लिख दीजिए मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन. मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स तो वो तो एफ एस मैक्स होता है. वो म्यू एन होता है. वो म्यू इनटू एम जी होता है. जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू एम जी होता है. और हम जानते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट जितना है जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो एम वी स्क्वायर बाय आर है. वो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से कम होना चाहिए. आप गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं तो आराम से टर्न ले पाएंगे. टर्न पे आपको गाड़ी स्लो कर ही लेनी चाहिए. ऐसे ही लिख दीजिए टू अवॉइड स्किडिंग एस के आई डबल डी आई एन जी या स्लिपिंग. टू अवॉइड स्किडिंग The requirement should be less than availability. अगर आप रायता फैलाना नहीं चाहते तो आप अपना requirement हमेशा limited रखो. Available जो resources हैं उनके बीच में ही अपना काम चलाओ उन्हीं से. Requirement should be less than या हद से अधिक equal to. Requirement है मेरा MG पर बाय R. This should be less than or equal to V by G. जो रिक्वायरमेंट है वो एमबी स्क्वायर बाय आर है. और रिक्वायरमेंट हमेशा कम होना चाहिए. अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए तो आराम से काम चलता रहेगा. तनाव नहीं होगा. एन कैंसिल हो जाएगा. वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी. सो वी मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी. Vmax is equal to root mu rg. ये फॉर्मूला 5 स्टार देने लायक है. डेरिवेशन आपको करना है कि नहीं करना स्कूल के हिसाब से वो आप देखें. थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन है तो कर भी लेना चाहिए. कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं. इवेंचुअली फाइनली आपके पास सिर्फ ये फॉर्मूला होना चाहिए. बहुत ही तेजी से सारे स्टेप दिमाग में से गुजरते हुए फाइनली यहाँ पहुंच जाना चाहिए आपको. आपको जरूर बोलना चाहिए सर्कुलर मोशन है तो रिक्वायरमेंट एम वी स्क्वायर बाय आर है और इस चैप्टर में वो फ्रिक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो म्यू एम जी भी है. और रिक्वायरमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अवेलेबिलिटी. रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा और उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो गाड़ी स्किड हो जाएगी. मैक्सिमम वेलोसिटी है रूट म्यू आर जी. इसे हम याद कराना चाहेंगे तो बोलेंगे मर जा. अगर ज्यादा गाड़ी से चलाओगे तो मरेगा मर जाएगा साले. मैक्सिमम वेलोसिटी जो है तुम्हारी वो म्यू आर जी है. और फिर रूट ये जमीन में तुम्हें साले गाड़ देंगे दफना देंगे. रूट के अंदर जमीन के अंदर गाड़ देंगे. ये जमीन है ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाओ. मैक्सिमम वेलोसिटी तुम्हारी रूट म्यू आर जी होनी चाहिए. ऐसा फिर से लिख लीजिए इफ वी इज लेस देन वी मैक्स. अगर वी वी मैक्स से कम है तो द व्हीकल इज एबल टू टेक टर्न सेफली. अगर वेलोसिटी वी मैक्स से कम है तो गाड़ी आराम से टर्न ले पा रही है. Is less than Vmax, and if he is more than Vmax, अगर भी Vmax से ज़्यादा है, अगर भी Vmax से ज़्यादा है, तो फिर जितना requirement तुम्हारा ज़्यादा है, फिर
अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो लिख दीजिए रिक्वायरमेंट इज मोर। अगर तुम्हारा मास ज्यादा है या रेट मास ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है या रेडियस कम, रिक्वायरमेंट अगर मोर है ब्रैकेट में लिख दीजिए इफ मास मोर वेलोसिटी मोर और शार्प टर्न, शार्प टर्न, शार्प टर्न मतलब रेडियस लेस। अगर मास ज्यादा है गाड़ी का या वेलोसिटी ज्यादा है या सडन टर्न ले लिया, शार्प टर्न ले, अचानक से टर्न आ गया, आपका ध्यान ही नहीं गया था कि गाड़ी में आगे टर्न आने वाला है, अचानक आपने देखा ब्लाइंड टर्न जिसको बोलते हैं, अचानक आपने देखा गाड़ी में टर्न ही आ गया, तो फिर आप उतनी जल्दी गाड़ी मोड़ नहीं पाओगे, फिर उतना फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा और व्हीकल विल बी थ्रोन आउटवर्ड्स, वेलोसिटी गाड़ी बाहर फेंक दी जाएगी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा है तो गाड़ी बाहर तुम फेंक ही दिया जाएगी, तुम मर ही जाओगे, जमीन में गाड़ भी देंगे, अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा अगर हुआ तो। रूट म्यू आर जी ऐसे कोई खास फॉर्मूला है नहीं, याद हो जाता है, फिर भी इस तरीके के तरीके थोड़े बहुत बना लें आप तो अच्छा है। म्यू आर जी मजा या म्यू से म्यू को भी कुछ रिलेट कर सकते हैं, मुरझा जाएगा ऐसा बलि पड़ गया, ज्यादा अच्छा है मुरझाएगा, मुरझा जाएगा, गिरेगा, चोट लगेगी, मुरझाएगा, उतना क्रूर क्रूअल नहीं होते, मर जाने की बात नहीं करते, मुरझाने की बात करते हैं, तो म्यू प्रॉपर आ गया उसमें, हाँ वो ज्यादा अच्छा है, मुरझा जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई, इसमें एनसीईआरटी ने क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। कहता है थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन द कार, इसने फिगर 5.14 ए में दिखाए हैं, नंबर वन वेट ऑफ द कार एम जी, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फिर फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ ये नीले कलर की जो कार उसने दिखाई है एम जी और एन नीचे है, मतलब एम जी नीचे है एन ऊपर है और एफ जो है सर्किल के सेंटर की तरफ। कहता एज देर इज नो एक्सिलेशन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सिलेशन नहीं है तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू एम जी। तो मैंने चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखना था मुझे, तो मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिखे। कायदा तो यही कहता है कायदे से इस चैप्टर में आपको पहले मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मिलेगा, वहां इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी है उससे एन निकालिए, ऐसा अलग से लिख दीजिए ब्रैकेट में कि इन ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के सभी न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट वी मस्ट राइट एन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट वी मस्ट राइट एन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ डायरेक्शन, we must write an equation of equilibrium in a direction perpendicular to the direction of motion, in a direction perpendicular to the direction of motion, in a direction perpendicular to the direction of motion। ये figure 5.14 में ये बनाया, उसने यहाँ circular track दिखाई है और यहाँ भी friction अंदर की तरफ है, यहाँ ये vehicle है, बस vehicle में track दिख रहा था, अब सामने से मैंने पूरा ही दिखा दिया, ये सर्कुलर ट्रैक दिख रही थी, ये 5.14 में फिगर में उसने फोर्सेस दिखाए हैं, इन दोनों को ही उसने फिगर ए का, ये दोनों ही फिगर ए है। तो हमें फ्रिक्शन के चैप्टर में हमेशा मोशन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करना ही चाहिए टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एन। ऐसा इसलिए करते हैं हम ताकि हमें एन की वैल्यू मिल जाए, ये कायदे से हमेशा हर बार करना ही चाहिए। यहां तो मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि एन चलो एम जी ही है, कायदे से ये दिखाना चाहिए कि हाँ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए, वहां तो मोशन हो नहीं रहा है, वहां तो गाड़ी हवा में तोड़ नहीं रही है, तो पक्का ये इक्विलिब्रियम है, तो एन की वैल्यू एम जी के बराबर, एन की वैल्यू एम जी के बराबर है। अब जब फ्रिक्शन को आप लिखोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को म्यू इन टू एन, तो एन हर बार एम जी नहीं होता ना, इस समय हमने पहले वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिखकर एन की इक्वेशन ऑब्टेन की और एन का पता वैल्यू पता की कि वो एम जी है। फ्रिक्शन के चैप्टर में आपको एक ही फॉर्मूला पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू इनटू एन, पर पहले एन निकालना आपकी जवाबदारी है। पहले एन निकालने के लिए जो जहां भी मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इक्वेट कर देना, तो तुम्हें एन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमेशा एम जी नहीं होता है, एन की वैल्यू हमेशा एम जी नहीं होती है। ओके तो अब आगे पढ़ रहे हैं, एन इज टू एम जी आ गया, फिर कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड,
एंड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन रोड एंड द टायर्स अलोंग द फ्रिक्शन. वो कुछ पढ़ा था हमने इस बारे में, ज्यादा ध्यान ना दें कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फोर्स जमीन से मिल रहा है कार को, उसका एक कॉम्पोनेंट नॉर्मल रिएक्शन है और उसका एक कॉम्पोनेंट फ्रिक्शन. तो वो कह रहा है हमने तो ये लिख ही लिया है इसलिए और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि आपकी बार सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है. तो अल्टीमेटली इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए जो चाहिए वो फ्रिक्शन. बस कहते हैं नोट दैट इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. कार तो मोशन में है, अगर घुमाने तंग करने की कोशिश करें तो आप इसमें परेशान तो हो सकते हैं. आप वार्निंग लिख दीजिए, इस बात को साफ साफ लिख दीजिए कि फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ फ्लैट रोड सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन. ये ध्यान दीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है शायद. इंपॉर्टेंट के लिहाज से तो मैं इस पे वैसे 3 ही स्टार देना चाहता हूं, ज्यादा स्टार नहीं देना चाहता इससे ज्यादा. पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, आपका पूरी की पूरी गाड़ी तो सर्कुलर मोशन में है और वहां तो मोशन हो रहा है, तो सब जगह काइनेटिक्स ही मोशन हो रहा है. पर बेसिकली क्या हुआ, जब गाड़ी ने सीधे जाते जाते टर्न लिया ना, तो गाड़ी ने जमीन को बाहर मारा और यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं है. गाड़ी जो जमीन को मार रही है ना, यहाँ पे पीछे की तरफ जब गाड़ी स्किड करेगी ना, तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा. गाड़ी यहाँ इंटरलॉकिंग को तोड़ तो पा नहीं रही है, ये इधर है फोर्स लगा रही है, तो यहाँ तो रिलेटिव मोशन है नहीं. आप चाहो तो लिख दो, नहीं तो बस आंसर पता होना चाहिए. रीजन आपसे कोई पूछेगा नहीं, ब्रैकेट में लिख दीजिए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हीकल ऑफ द टायर विद द रोड. At the point of contact of the tire with the road, there is no sideways skidding. No sideways skidding. Neither radially inwards nor radially outwards. ये radius के along इनवर्ड डायरेक्शन है और ये रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड डायरेक्शन. इधर जरूर मोशन हो रहा है पर इधर मोशन नहीं हो रहा. इस डायरेक्शन में कहीं मोशन होता तो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करता. ये जो इरेगुलरिटी है जमीन पे, अगर इसको जोर मार के मैं पीछे चले जाता, मैं जमीन पे पैर मारता हूं, मैं जब जमीन पे चलता हूं तो मैं भी स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण चलता. अगर मैंने जमीन पे पैर मारा, गाड़ी चलो गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी आप स्टैंड पे खड़ी थी, आपने मोटरसाइकिल को स्टैंड से उतारा और एक्सीलेटर दबाया, तो गाड़ी का पहिया पीछे जमीन को जोर से मारता है. अब अगर पीछे उसके स्किड मार्क्स पड़ गए तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फिर टायर पीछे एक्चुअली गया, यहाँ रिलेटिव मोशन हुआ. पर अगर उसने जमीन को मारा और जमीन टूटी नहीं और जमीन ने उसे आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं हुआ. रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा परवाह ना करें रीजंस की, सिर्फ फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे थियोरी बहुत कम इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ न्यूमेरिकल काम के होते हैं, ये समझ लीजिए फॉर्मूले और न्यूमेरिकल. हाँ ये ध्यान रख लीजिए, अगर ये पूछ लिया तो दिक्कत तो हो जाएगी कि फ्रिक्शन तो ठीक है, सर्कुलर मोशन में कार जब जमीन पे चलती है तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, ये बात तो ठीक है, पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. मोशन की डायरेक्शन में अगर कहीं फ्रिक्शन की हम बात करें तो शायद काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये तो साइडवेज है, साइडवेज तो मोशन हो ही नहीं रहा है. जब वहां मोशन ही नहीं है तो काय का काइनेटिक फ्रिक्शन. ऐसा ब्रैकेट में फिर लिख दीजिए, देयर इज नो साइडवेज मोशन एंड सो देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम साइडवेज. साइडवेज जो फ्रिक्शन आ रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है ही नहीं. और मोशन की डायरेक्शन में तो मोशन की डायरेक्शन में भी जरूर ऐसे ही है. इसने जमीन टायर जब पीछे का टायर जमीन को पीछे मारता है तो जमीन उसे आगे मारती है. खैर हम मोशन की डायरेक्शन में भी शायद अगर यहाँ सोचते तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आता, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही आता. आदमी के चलने में तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है. कार भी जब स्टार्ट हो रही है, जब भी स्किड मार्क्स दिख रहे हैं आपके, अगर स्किड मार्क्स नहीं है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन. खैर वो उस डिटेल में ना जाए, कार के चलने की बात करें और बस स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको याद कर लें. स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट्स द इंपेंडिंग मोशन ऑफ द कार
मूविंग अवे फ्रॉम द सर्किल उसको रेडियली आउटवर्ड्स बोल देना चाहिए. तथा स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट द इम्पेंडिंग मोशन द कार. साइडवेज मोशन इम्पेंडिंग है ना, साइडवेज मोशन हुआ तो हुआ ही नहीं है, होने वाला था, टेंडेंसी थी. कार साइड में सड़क को उसने मारा तो सड़क ने रिएक्शन मार के फ्रिक्शन दे दिया, हुआ तो है ही नहीं मोशन, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन है. रीजन आपको नहीं चाहिए, सिर्फ फैक्ट चाहिए कि भाई ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसने की कार को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड किया. रीजन नहीं चाहिए, कोई नहीं पूछेगा. जी जेई में और नीट में तो कोई नहीं पूछेगा. वाइवा कभी हो रहा है, एक्सटर्नल आपके सामने है कभी, तो जरूर ये बातें हो सकती. इसके अलावा कभी किसी क्वेश्चन में ये चीजें नहीं आ सकती. इसलिए इन माय ओपिनियन रीजंस में आप ज्यादा इंटरेस्ट ना लें. आप रीजंस में इंटरेस्ट लेते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द टाइम विच शुड बी गिवन टू न्यूमेरिकल्स. अगर आप पहले न्यूमेरिकल अच्छे से एड्रेस कर ले रहे हैं और उसके बाद अपने मजे के लिए आप अगर ये सब बातें सोच रहे हैं तो सोचिए, पर ये ना करें कि आप यही पढ़ते रह जाएं और न्यूमेरिकल्स का फिर टाइम ही ना बचे, तो फिर फिजिक्स कभी भी आसान नहीं हो पाएगी आपके लिए. ऑलराइट, मैथमेटिक्स में इसकी आपके सामने कर ही चुका हूं, ये बात और लिख दीजिए अलग से. वी मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. वी मैक्स का जो फॉर्मूला है वो रूट, वो मुरझाने वाली बात थी, म्यू आर जी मुरझाने वाली बात थी, और उसमें मास आता ही नहीं है, मास आता ही नहीं. वी मैक्स का फॉर्मूला रूट म्यू आर जी, बस आप अच्छे से याद रख लें और फ्लैट रोड लिख लें. खैर मैं समरी में बाद में लिखवा दूंगा. ऑलराइट, अब चीजें थोड़ा कठिन आने वाली हैं और हेडिंग दे दीजिए मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड. मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड ये काफी एडवांस है, मैं तो इसे वेरी एडवांस बोलूंगा, मैं शायद इसे प्योर जेई डिस्कशन मानूंगा. देखिए एनसीईआरटी मेडिकल वालों के लिए भी वही है और जेई वालों के लिए भी वही है, तो कुछ डिस्कशन तो ऐसा होना ही चाहिए जो नीट वालों को समझना चाहिए कि हमारे काम का नहीं है. कर तो हम पूरा रहे हैं डिस्कशन और आप बहुत ध्यान से सुनिए भी, पर शायद ये प्योरली जेई डिस्कशन है. हालांकि देर आर नो गारंटीज, नीट में भी इसका क्वेश्चन या फॉर्मूला पूछा तो जा सकता है. बैंक रोड का सबसे पहले तो ये मतलब है कि जो फ्लैट रोड है ना, इस रोड का जो, इसको रोड बेड कह रहा हूं मैं, रोड बेड का जो आउटर एंड है वो ऐसा उठा दिया, ये तो जमीन पे ही है, आउटर एंड उठा दिया, इसको बैंक रोड बोलते हैं. ऐसा लिख दीजिए, आउटर एंड ऑफ द रोड बेड, आउटर एंड ऑफ द रोड बेड इज रेज्ड अ लिटिल, आउटर एंड ऑफ द रोड बेड इज रेज्ड अ लिटिल, ये सच दैट इट रोड बिकम्स एन इंक्लाइंड प्लेन. तो बेसिकली एक इंक्लाइंड प्लेन बन जाता है. आउटर एंड ऑफ द रोड बेड इज रेज्ड अ लिटिल. अब क्या होता है, इसके ऊपर जो व्हीकल चल रही होती है, फ्लैट रोड पे व्हीकल ऐसी होती है. अब यहाँ व्हीकल इसका नॉर्मल ये होता है, अब ये व्हीकल भी अपने आप टिल्ट हो जाती है. बैंक रोड पे जब गाड़ी आती है तो ऑटोमेटिकली वो टिल्ट हो जाती है, गाड़ी भी ऐसी नहीं रहती, गाड़ी भी ऐसी हो जाती है. फ्लैट रोड पे आई थी, अचानक बैंक रोड पे आ गई तो गाड़ी भी थोड़ी टिल्ट हो गई और ऑब्वियसली वो जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो भी टिल्ट हो गया. इसको बैंक रोड कहते हैं. ये ऐसा सर्कुलर टर्न है. सर्कुलर टर्न जब होता है कहीं पहाड़ वहाड़ पे, जब घाट पे गाड़ी चलती है तो घाट पे तो गाड़ी ऐसे ही कर देते हैं, अगर इस तरफ खाई है तो गाड़ी को इधर वो उठा देते हैं. ये सर्कुलर टर्न है और ये उसका सेंटर है, बल्कि खाई की तरफ, खाई की तरफ स्लोप ही है. बल्कि आउटर एंड जो है, जो पहाड़ की तरफ रोड है, एज है, वो उठाया जा रहा है. अब क्या होता है, इस समय गाड़ी जब मोशन में होती है ना सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा आता है. mg मैंने डायग्राम में छोटा बनाया है और नॉर्मल रिएक्शन काफी बड़ा बनाया है. सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स है, इसमें थियोरी कम है और थोड़ी एडवांस्ड बातें हैं ये. पहली बात तो आपको ये रटनी पड़ेगी कि जब गाड़ी इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पर है, जो पूरी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे है, जैसे एंगल ऑफ रिपोज की बात हमने पिछली क्लास में की थी, जब गाड़ी रेस्ट पर है ना तो mg बड़ा होता है, n छोटा होता है, और जब गाड़ी मोशन में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होता है. ये बात अलग से ध्यान से ब्रैकेट में लिख दीजिए. व्हेन द व्हीकल इज एट रेस्ट,
when the equilibrium, a body is at rest, when a body is rest on an inclined plane, mg is greater than n. mg n से बड़ा है. जैसा कि पिछली क्लास में हम डायग्राम बनाते थे, mg को बड़ा बनाते थे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, वह mg को बड़ा बनाते थे. और इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व किया जाना चाहिए तो वहां पर हम mg को रिजॉल्व कर लेते थे. उसको खैर रिजॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं. मैं उसका सिंपल तरीका जो आपको समझ में आएगा मैं ये बताता हूँ कि जो भी बड़ा फोर्स होता है ना उसको रिजॉल्व करना चाहिए. तो वहां पे लिख दीजिए जहां आपने लिखा ना कि mg greater than n, लिख दीजिए therefore mg is resolved. हम तो एक तरीका उसका ये भी बनाते थे कि इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करना चाहिए, सब चलता है. फिलहाल अब ये रूल कह रहे हैं कि जो बड़ा है उसी को रिजोल्व करो. और अब ये लिख दीजिए इफ व्हीकल इज इन मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगर व्हीकल इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन में है, व्हीकल इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन में है, देन n इज ग्रेटर देन mg, n mg से बड़ा है. ये मैं समझाता हूं क्यों. एंड देयरफॉर n शुड बी रिजॉल्व. नॉर्मल रिएक्शन अब बड़ा है, नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है, अगर मोशन में है तो नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है. और फिर अब अगर हम आगे की मैथमेटिक्स जब करेंगे तो n को रिजॉल्व करेंगे, mg को नहीं. अब देखिए क्या है कि फ्लैट रोड पे तो ठीक है, इनर्शिया के कारण ऐसी गाड़ी जा रही थी और उस पर जब मुड़ी तो फोर्स उस पर, इनर्शिया का फोर्स बाहर की तरफ लगा, ठीक है. अब जब ये बैंक रोड है, रोड इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे भी अब एक एडिशनल फोर्स आएगा. जब जो एक्शन होगा टर्न ले पाने के लिए, इसको एक फोर्स चाहिए जो कि अंदर की तरफ आएगा, वो जमीन से ही आएगा. तो टर्न ले पाने के लिए अब वो ज्यादा जोर से जमीन को प्रेस करेगी, उसको रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन ज्यादा चाहिए. क्योंकि अब जो रिएक्शन आएगा, मतलब आप तो ये मान लीजिए इनर्शिया के कारण गाड़ी शायद उसमें धंस जाना चाहती है जमीन में, तो वो एक्शन है, मतलब रिएक्शन है ना. और डिस्कशन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी बात और बेटर समझ में आ जाएगी. अभी मैं और एक्सप्लेनेशन में की ज्यादा बात नहीं कर रहा. फिलहाल आप रट लीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा बड़ा है. जब गाड़ी रेस्ट पे है तो mg बड़ा है, n छोटा है, और जब गाड़ी चल रही है तो फोर्स और ज्यादा चाहिए, जमीन से जो रिएक्शन है वो ज्यादा चाहिए, क्योंकि जमीन से रिएक्शन के दम पे ही गाड़ी चल पाएगी. अब मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूँ. ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको देखना पड़ेगा ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, ये थीटा. और अगर मैं यहाँ बात कर लूँ अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये भी थीटा. तो इसको एन कॉस थीटा इधर आ जाएगा और एन साइन थीटा इधर आ जाएगा, ऐसा डायग्राम बना दीजिए. हम इस डेरिवेशन में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इन्हें हम एडवांस डिस्कशन मान रहे हैं. फिलहाल n cos थीटा जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है और शायद वो mg के बराबर है. n का cos थीटा mg को बैलेंस करता है. पूरा डिस्कशन हालांकि हुआ नहीं है अभी, पर n cos थीटा शायद mg को संभालने की कोशिश कर रहा है और n sin थीटा सेंटर की तरफ काम कर रहा है. n sin थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. नॉर्मल रिएक्शन को अब दो काम करने हैं, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन बड़ा पैदा हुआ है. नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट को mg को भी संभालना है और नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट को सेंट्रिपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करना है. अभी इसमें एक डिस्कशन और बाकी है, एक डिस्कशन और बाकी है कि रोड्स तो प्रैक्टिकली तो रफ होती हैं, तो हमको कायदे से यहाँ फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करना है. इतना डायग्राम भी अलग से बना लीजिए. अगर आप बिना फ्रिक्शन के डिस्कशन करना चाहते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए विदाउट फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं यहाँ तो तुम्हारे सामने कुछ सॉल्व भी कर देता हूँ. एन कॉस थीटा एम जी है वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए और एन साइन थीटा एम जी स्क्वायर बाय आर. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो. अगर सवाल में फ्रिक्शन की कोई बात नहीं की गई है तो ये इक्वेशन बनेगी. हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए एन कॉस थीटा एम जी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एन साइन थीटा है जो सेंटर की तरफ मार्क्ड है वही तो सेंट्रीपेटल फोर्स के रिक्वायरमेंट एम वी स्क्वायर बाय आर को पूरा कर रहा है। और इन इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर सी और वी का फॉर्मूला आ जाएगा रूट आर सी टेन थीटा। तो बल्कि आप पहले हेडिंग दे सकते हैं चाहे तो इसमें कि बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। इसे वी ओ कह रहे हैं, एनसीईआरटी ने वी ओ कहा है तो मैं भी वी ओ कह देता हूं। मैं तो इसे करेक्ट स्पीड कहना चाहता था। वी ओ की वैल्यू है रूट आर जे टेन थीटा, ये भी आपको याद करना चाहिए, ये फॉर्मूला भी याद करना चाहिए। एग्जाम्पल 5.11 में उन्होंने इसको यूज किया है, ये दिस इज लिख दीजिए दिस इज द करेक्ट स्पीड फॉर द गिवन एंगल ऑफ बैंकिंग। रोड तो ऑलरेडी पहले से बनी हुई होती है, उसका थीटा बीटा और रेडियस वेडियस सब फिक्स्ड ही होता है, और जब आप गाड़ी पे टर्न ले रहे होते हैं घाट पे गाड़ी चलाते हैं तो सेफ स्पीड या करेक्ट स्पीड वहां लिखी भी होती है साइड में बोर्ड पे साइन बोर्ड पे। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर मैं 5 स्टार देना चाहूंगा। ये नीट के हिसाब से भी काम का है, ये ज्यादा काम का है। मैं डेरिवेशन को रिपीट करता हूं कि मैंने एक एम जी बनाया, एक एन बनाया, एन को बड़ा बनाया और एन को रिजोल्व भी किया। एन कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस कर लिया और एन साइन थीटा जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है वो एम बी स्क्वायर बाय आर के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। डिवाइड कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, ये उल्टा कर दिया मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो टेन थीटा हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी, ये एम और एम ये कैंसिल हो जाएगा। एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा मैंने किया है तो वी स्क्वायर बाय आर जी है और करेक्ट स्पीड का फॉर्मूला है फॉर द गिवन एंगल ऑफ बैंकिंग अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर इस करेक्ट स्पीड का तो मतलब ये है, एक तो फ्रिक्शन है नहीं तो भी गाड़ी मतलब साइडवेज फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ रोड है और रूट आर जी टेन थीटा से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चल पाएगी। मतलब उसका एक्चुअली मतलब ये है कि साइडवेज नहीं गिर सकती, ना तो इधर ये बैंक रोड है ना, ना तो ऐसी नहीं इधर खाई में गिरेगी ना ऊपर की तरफ जाएगी, ये इसका मतलब होता है। ऐसी एक लाइन लिख दीजिए, व्हेन द व्हीकल इज ड्रिवन एट करेक्ट स्पीड दैट इज अंडर रूट आर जी टेन थीटा, व्हीकल इज ड्रिवन एट करेक्ट स्पीड दैट इज अंडर रूट आर जी टेन थीटा, देन साइडवेज फ्रिक्शन डज नॉट कम इन टू प्ले। साइडवेज वाला फ्रिक्शन तो कम से कम पिक्चर में नहीं आता, साइडवेज फ्रिक्शन डज नॉट कम इन टू प्ले एंड देयरफॉर देयर इज नो वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स। टायर्स में जो वेयर एंड टेयर है, टायर जो घिसते हैं वो आइडियली टायर तो तभी घिसते हैं जब टायर स्किड करे, जब तक गाड़ी चलती रहे और कहीं स्किडिंग ना हो तब तक टायर कभी घिसता ही नहीं है। अब फिर दोबारा हेडिंग दे दीजिए बैंक रफ रोड। एक तो बैंक रोड है जो साइड से उठी हुई है, आउटर एज उसका थोड़ा सा उठा हुआ है, ये इनर एज है जो खाई की तरफ है और ये जो आउटर एज है जो पहाड़ की तरफ है। अब अगर फ्रिक्शन को भी हम अकाउंट में लें, फ्रिक्शन की बात तो हम कर ही रहे हैं, तो अब हम ये मान लेते हैं कि चलिए हम ये निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड क्या है। ऐसे लिख दीजिए, वी विश टू डिटरमिन द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। ऑन रफ बैंक रोड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, अगर आप गाड़ी थोड़ी लिमिट से ज्यादा चलाएंगे ना तो गाड़ी में टेंडेंसी होगी इनर्शिया के कारण और उधर चले ही जाने की। जैसे फ्लैट रोड पे मैंने कहा था आपने अचानक टर्न ले लिया तो सेंट्रीफ्यूज ये जो इनर्शिया के कारण गाड़ी बाहर फेंक दी जाती है। तो अभी भी क्या होगा, जब तुम गाड़ी एक लिमिट से ज्यादा तेज चलाओगे तो इनर्शिया के कारण व्हीकल विल हैव अ टेंडेंसी टू बी थ्रोन आउटवर्ड्स, तो गाड़ी में ना इंपेंडिंग मोशन अपवर्ड्स आए। ऐसा लिख दीजिए, ड्यू टू इनर्शिया
the vehicle will have a tendency to be thrown radially outwards. Vehicle will have a tendency to be thrown radially outwards. आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, अचानक आपने मोड़ दिए, तो impending motion तो पीछे की तरफ है, क्योंकि गाड़ी तो वहीं जाते जाना चाहेगी, गाड़ी इधर जा रही थी और इधर आपने मोड़ दी, तो इनर्शिया तो चाहेगा कि गाड़ी को यहीं रखे, तो इसलिए उसमें मोशन इधर है, आउटवर्ड्स है, इसलिए मोशन आउटवर्ड्स है, तो मोशन आउटवर्ड्स है, तो बस अब इंपेंडिंग मोशन अपवर्ड्स है, इसलिए फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स काम करे, ये मैं फ्रिक्शन को डाउनवर्ड्स काम कर दे रहा हूं, मैं फ्रिक्शन भी ले लिया, पहले मैंने खाली एन लिया था, अब मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन भी लूंगा, इम्पेंडिंग जो अगर गाड़ी तुम एक लिमिट से तेज लिमिट पे चलाओगे, वीमैक्स से भी ज्यादा स्पीड पे चलाओगे, तो टेंडेंसी तो बाहर फेंक दिए जाने की होगी इनर्शिया के कारण, तो इम्पेंडिंग मोशन इज आउटवर्ड्स एंड देयरफॉर फ्रिक्शन यहां पर है, और अब हम फ्रिक्शन को भी रिजोल्व करेंगे, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये पूरा एंगल 90 है, यहां से यहां तक ये एंगल पूरा 90 है, मैं एंगल में ही थोड़ा सा ध्यान से मुझे देखना है, बाकी तो आसान है, ये अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, फिर ये ऑल्टरनेट एंगल से मिल गया, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों पैरेलल है, और ऑल्टरनेट एंगल से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, बस अब हम एफ को रिजोल्व कर सकते हैं, जहां से एफ का एंगल थीटा बन रहा है, वहां एफ का कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनता है वहां कंपोनेंट आता है कॉस थीटा, तो यहां आ गया एफ कॉस थीटा, और इधर आएगा एफ साइन थीटा, इंपेंडिंग मोशन इज अपवर्ड्स अप द प्लेन, सो फ्रिक्शन इज डाउनवर्ड्स, और ये एंगल थीटा किसी तरह से प्रूव कर दिया, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल, और फ्रिक्शन जहां से थीटा का एंगल बनाएगा वहां आएगा एफ कॉस थीटा, और एफ ये बीच में आएगा, इधर एफ कॉस थीटा तो इधर एफ साइन थीटा, रिजल्टेंट को इन दोनों के बीच आना चाहिए, एक कॉम्पोनेंट ये बाजू आएगा तो एक कॉम्पोनेंट ये बाजू आएगा, एफ को रिजोल्व किया है तो एफ का एक बच्चा इधर आएगा, एफ का एक बच्चा इधर आएगा, जहां से एंगल थीटा बन रहा है वहां कॉस वाला बच्चा आएगा और साइड में साइन वाला बच्चा आएगा, साइड में साइन, कोने में कॉस, अब कहानी कंप्लीट हो गई, पहले हमने एन को बनाया और एन को रिजोल्व किया, अब हमने एफ को बनाया और एफ को रिजोल्व किया, अब हम फाइनली लिखते हैं फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हमें वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी ही चाहिए क्योंकि हमें एन फाइंड आउट करना है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और एफ का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, खुद स्वयं एफ को मैं हमेशा म्यू एन ही तो लिखता हूं, फ्रिक्शन का तो मेरे एक ही फॉर्मूला आता है, फ्रिक्शन का और कोई फॉर्मूला मुझे आता ही नहीं है, झक मार के मजबूरी में मुझे इसे म्यू एन लिखना ही पड़ेगा, एन कॉस थीटा इधर ले आता हूं, माइनस एफ की जगह म्यू एन कर देता हूं, म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और इसके एन को अगर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा एम जी, एन मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एन का ये फॉर्मूला आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है अलग से, हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी है, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एम जी भी है और वर्टिकली डाउनवर्ड्स एफ साइन थीटा भी है, और बस एफ का एक ही काम आप कर सकते हो, एफ को म्यू एन के सिवाय आप कुछ कर ही नहीं सकते, इससे हमारा एम है एन निकालना, एन का फॉर्मूला आया तो है पर हमें अलग से उसे याद नहीं करना है किसी भी एग्जाम के लिए, हाँ एक चीज हम जरूर ऑब्जर्व करना चाहेंगे कि नीचे माइनस है, नीचे माइनस है तो डिनोमिनेटर जो है ना वो एक्चुअली वन से कम है, कॉस थीटा तो खुद ही वन से कम होता है, उसमें से तुम और माइनस कर रहे हो किसी चीज को, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है और थीटा यहाँ पे जीरो तो है नहीं, तो कॉस थीटा तो डेफिनेटली वन से कम ही है, ऊपर से तुम उसमें से माइनस कर रहे हो और चीज कुछ, तो डिनोमिनेटर इज मच लेस देन वन, ऐसा लिख दीजिए, हियर डिनोमिनेटर इज मच लेस देन वन, यहाँ डिनोमिनेटर एक से काफी कम है,
एंड देयरफॉर एन इज मच ग्रेटर देन एम जी. ये मैथमेटिकली हमें बात समझ में आ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन देखो एम जी से बहुत ज्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी से बहुत ज्यादा है. ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी से ज्यादा है, इसलिए हमने एन को बड़ा बनाया है. थियोरी से भी हम और समझने की इसमें गुंजाइश है तो, पर थियोरी इतनी इंपॉर्टेंट है कहां हमें, हालांकि उसके बगैर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आता नहीं. तो बात केवल यह है कि गाड़ी खड़ी होती तो एक एमजी होता, अब गाड़ी चल रही है और चल रही है तो इनर्शिया के कारण भी तो एक फोर्स इस तरफ आ रहा है, इनर्शिया के कारण भी एक फोर्स आ रहा है, इनर्शिया के कारण भी गाड़ी जमीन पे एक्शन लगा रही है. गाड़ी एक तो एमजी के कारण जमीन पे एक्शन लगा रही है और एक इनर्शिया के कारण भी जमीन पे एक्शन लगा रही है. उसका जो रिएक्शन आएगा तो फिर टोटल मिला के रिएक्शन ज्यादा ही हो जाएगा ना. ऐसा आपको थियोरी में अगर इंटरेस्ट आपको आता है तो आप लिख लीजिए. हालांकि मेरे हिसाब से तो कोई भी यूज नहीं है, और बल्कि उस तरफ थियोरी पे दिमाग जाएगा तो ओवरथिंकिंग होगी और क्वेश्चन में सिली मिस्टेक जरूर होगी आपकी. जितना सोचना है फॉर्मूले से सोचिए, नहीं तो सवाल छोड़ दीजिए. यहाँ आप लिख दीजिए यहाँ पर कि एन इज ग्रेटर देन एम जी की थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है. नंबर वन बोल दीजिए, एक्शन इज ड्यू टू वेट ऑफ द व्हीकल. एक्शन ऑन द रोड इज ड्यू टू वेट ऑफ द व्हीकल, तो इस एक्शन का एक रिएक्शन होगा. और नंबर टू, द व्हीकल प्रेसेस द रोड, द व्हीकल प्रेसेस द रोड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स ड्यू टू इनर्शिया. गाड़ी इनर्शिया के कारण भी तो, इनर्शिया के कारण तो वो उस पर फोर्स मतलब एंगल पे आएगा, थोड़ा सा एंगल पे आएगा, ऐसा कुछ आएगा. यहाँ पे गाड़ी तो यही जाते जाना चाहेगी, तुम उसे यहाँ मोड़ रहे हो तो वही बाहर, बिकॉज क्योंकि क्योंकि व्हीकल में बाहर फेंक दिए जाने की टेंडेंसी है ना, तो गाड़ी जमीन को प्रेस करेगी ना. गाड़ी तो यहाँ भाग जाना चाहेगी, गाड़ी तो यहाँ भाग जाना चाहेगी, इधर इधर जाने इधर जाना चाहेगी, पर सड़क उस पर, इसलिए गाड़ी जमीन पे एक्शन लगाएगी क्योंकि जमीन रास्ते में आके खड़ी हो गई, तो बस एक्शन है तो रिएक्शन है. अब ये इतनी डिटेल में थ्योरी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आप भी बस मान लेते हो कि हाँ समझ में आ गया. गाड़ी जमीन पे एक एक्स्ट्रा एक्शन लगा रही है, लिख दीजिए देयर इज एन एक्स्ट्रा एडिशनल एक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द ग्राउंड. व्हीकल के मोशन के कारण एक्स्ट्रा एक्शन है एंड देयरफॉर एक्स्ट्रा रिएक्शन. रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आपको यह पता हो कि गाड़ी जब रेस्ट पे होती है तो mg बड़ा होता है, n छोटा होता है, mg को रिजॉल्व करते हैं, और गाड़ी जब मोशन में होती है तो mg छोटा होता है, n बड़ा होता है, n को रिजॉल्व करते हैं. और फैसला सिर्फ मैथमेटिक्स से होता है, थियोरी से कभी कोई सही फैसला नहीं हो सकता. n का फॉर्मूला आपको बताएगा. अगर आपको जानना है कि n mg से बड़ा है कि नहीं, तो तरीका तो यही है कि आप n और mg में एक फॉर्मूला बनाए. फॉर्मूला देख के आप बता पाएंगे कि हाँ n mg से बड़ा है कि नहीं. ये कॉन्क्रीट एक्सेप्टेबल मेथड है जो सब मानेंगे. थियोरी वाले कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ इतने ध्यान से सुनते ही नहीं है. एनीवे, ये ना तो इसकी थियोरी इंपॉर्टेंट है ना इसकी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, केवल ये जानकारी इंपॉर्टेंट है कि जब व्हीकल रेस्ट पे होता है तो एम जी बड़ा होता है, एन छोटा होता है, एम जी को रिजोल्व करते हैं, और जब व्हीकल मोशन में होता है तो एन बड़ा होता है, एम जी छोटा होता है, और एन को रिजोल्व करते हैं. एन को हमने रिजोल्व किया एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा में, एन बीच में है, एक बाजू में कॉस कॉम्पोनेंट, एक बाजू में साइन कॉम्पोनेंट, एन का एफ इम्पेंडिंग मोशन बाहर की तरफ है, सेंटर वहां है, ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है. गाड़ी जब टर्न लेती है और उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड से भी ज्यादा होती है तो गाड़ी में टेंडेंसी तो बाहर की तरफ होती है. इम्पेंडिंग मोशन आउटवर्ड है, इसलिए फ्रिक्शन. इम्पेंडिंग मोशन अब तक प्लेन होगा ना, ये एरो मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, ये एरो कायदे से मुझे एकदम यहाँ से चिपका के बनाना चाहिए. इम्पेंडिंग मोशन विल बी अप द प्लेन, इधर लिख दीजिए, इम्पेंडिंग मोशन विल बी अप द प्लेन. सो इम्पेंडिंग मोशन अप द प्लेन है एंड देयरफॉर फ्रिक्शन इज डाउन द प्लेन, फ्रिक्शन इज डाउन द प्लेन. बस अब इसके बाद लिख दीजिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मैं हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो नहीं लिख रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख दीजिए. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स.
प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। बस तो अगली इक्वेशन मेरी ये हो गई कि n का साइन थीटा प्लस f का कॉस थीटा, और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लोग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं मैं एम बी स्क्वायर से रिप्लेस करता हूं, इसमें मैं f को म्यू n लिख दूंगा यहां पर भी, और n को mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा में डाल दूंगा। और इसके बाद के स्टेप्स में नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ इस स्टेप पे ध्यान दीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये आप अलग से पूरी इक्वेशन तो नहीं चाहता मैं इस इक्वेशन में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, अलग से पर थ्योरी से की बात लिख दीजिए, थ्योरी की बात इसको अलग से लिख दीजिए कि ऑन अ बैंक रफ रोड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, इस पर अलग से दो स्टार दे दीजिए। कुछ ज्यादा ही एडवांस डिस्कशन है, इसे कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, और गवाह है PYQ। बैंक रफ रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कॉम्पोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। कौन सा कॉम्पोनेंट है वो भी छोड़ दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट और फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट और फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये थियोरी की बात में हमने दो स्टार दिए हैं। इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब आप उनको सॉल्व कर लेंगे, अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। मेरा कहना है कि डी स्क्वायर बाय आर जी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने टेन थीटा लिखा था, अगर वी मैक्स का स्क्वायर वी ओ स्क्वायर बाय आर जी ऐसा अगर लिखे ना तो इसका आंसर आएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। शायद एक आध बार ये कभी एग्जाम में आया तो है ये वाला फॉर्मूला, ये करेक्ट स्पीड का फॉर्मूला है, ये बैंक स्मूथ रोड पे है, ये बैंक स्मूथ रोड पे है, ये बैंक रफ रोड पे है, बी मैक्स वो करेक्ट स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है। और मैक्सिमम में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई आंसर अगर अब आपको अगर वी मैक्स की बात कर रहे हैं तो आंसर बड़ा लाना है तो ऐसे ही ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस इन द न्यूमरेटर एंड माइनस इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, सॉरी आंसर बड़ा लाना है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा। ये थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि टेन थीटा वैसे तो म्यू के बराबर होता था एंगल ऑफ रिपोज, अब हम तो इसके भी कोई डायमेंशन नहीं और इसके भी कोई डायमेंशन नहीं, तो डायमेंशनलेस चीज में मैं डायमेंशनलेस चीज ऐड कर सकता, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा ये तो पक्का है, और वन वन ही रहता है, वन कहीं नहीं जाता, तो फिर आप शायद समझ जाओगे कि नीचे म्यू माइनस टेन थीटा नहीं होता है। ये कंफ्यूजन आ सकता है कि ऊपर टेन थीटा प्लस म्यू और नीचे म्यू माइनस टेन थीटा या टेन थीटा माइनस म्यू, तो वो ध्यान रख लीजिए कि नीचे वन तो आता ही आता है, ये वन आता है तो फिर म्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कुछ थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए, चार स्टार फिर भी मैं इसको देना चाहूंगा सिर्फ फाइनल फॉर्मूले पे और किसी भी बात पे नहीं, सिर्फ फाइनल फॉर्मूले पे आप चार स्टार दे दीजिए, हो सके तो याद कर लीजिए, ऐसा फिर से लिख दीजिए फॉर्मूले पे भी चार स्टार देने के बाद भी कि नॉट इम्पॉर्टेंट या एडवांस्ड क्वेश्चन, एडवांस्ड क्वेश्चन अगर बिल्कुल आप 180 में से 185 तक की तैयारी रखना चाहते हैं, बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं तो बाद में कभी कर लीजिएगा, पहले तो ऑर्डिनरी केसेस ही करिएगा। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली तो ज्यादा काम का है, वी स्क्वायर बाय आर जी पहले टेन थीटा था, आज वी स्क्वायर बाय आर जी तो कुछ थोड़ी सी बड़ी सी एक्सप्रेशन होगी, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा और नीचे एक वन जरूर आता है, तो इसका फॉर्मूला वी मैक्स का फॉर्मूला ऐसा लिखा तो जा सकता है, अंडर रूट आर जी फिर वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस न्यू टेन थीटा, ऐसा टाइप का कुछ बनाया जा सकता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। मैं तो वी स्क्वायर बाय आर जी को ही याद कराना चाहता हूं, बीस पर बाय आर जी को ही याद कराना चाहता, और वो जो रोड थी ना वहां था ये बीस पर बाय आर जी था न्यू, ये क्या था एक प्रकार से मेरी समरी हो गई, ये फ्लैट रोड है, फ्लैट रफ रोड, ये समरी लिख दीजिए आप दोबारा, ये फ्लैट रफ रोड है जिसमें मैं न्यू आर जी को क्या कह रहा था मुरझाना, वहां पे भी बीस पर बाय आर जी न्यू आया था, आज वी स्क्वायर बाय आर जी टेन थीटा आया है, अगर वी मैक्स चाहिए तो फिर इन दोनों का सम हो जाएगा, अगर कंडीशन ऑफ स्केटिंग स्केटिंग वाली केस थी फ्लैट फ्लैट रोड थी पर रफ थी तो
तो वी स्क्वायर बाय आर जी म्यू आया था, आज वी स्क्वायर बाय आर जी टेन थीटा आया है, अगर वी मैक्स चाहिए तो तुम इन दोनों को ऐड कर देना और डिनोमिनेटर में कुछ माइनस कर देना। इससे मैंने वी मैक्स निकाली है, वो फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दिया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इस पे 5 स्टार दिया होंगे, इस पे 5 स्टार दिया होंगे, इस पे 4 ही दिए हैं मजबूरी में। ना ही किया जाए शुरू में तो ज्यादा अच्छा है, पहले इन पे खूब सारे सवाल हो जाएं, जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप इससे अपने आप डरना छोड़ दोगे। अभी इसको देख देख के पूरे चैप्टर से ही डर लगता रहेगा। ये समझदारी की बात है कि अभी आप ही कह दीजिए कि इसे हम 5 रिवीजन के बाद करेंगे, 1 महीने के बाद करेंगे। अभी आप इस बड़े वाले फॉर्मूले पे जाइए ही नहीं, और आपको इसके सवाल कभी कहीं देखने को मिलेंगे भी नहीं ज्यादा। एनीवे अब इसमें एक बात और करते हैं, हेडिंग दे दीजिए वी मिन। We min on a rough banked road. We min on a rough banked road. अब इसमें मेरा कहना है कि अगर तुम ना स्पीड काफी धीरे, गाड़ी काफी धीरे चलाओगे, काफी गाड़ी धीरे चलाओगे तो इधर 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 गाड़ी के गिर जाने की चांसेस, स्लोप इधर ही है, आउटर एंड उठा हुआ है, पहाड़ की तरफ जो है वो उठा हुआ है और जो खाई की तरफ है वो गिरा हुआ है, तो तुम्हारी गाड़ी खाई में गिर जाएगी। तो बहुत स्लो अगर चलाई तो गाड़ी गिरी जाएगी। तो टेंडेंसी इम्पेंडिंग मोशन डाउनवर्ड्स है, ऐसा लिख दीजिए, इफ वी इज लेस देन वी ओ या इफ वी इज लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अगर वी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम है then vehicle will have a tendency to slide downwards down the plane, vehicle mein tendency hogi to slide down the plane. And so friction will act up the plane, impending motion down the plane hai, impending motion down the plane hai, to friction jo hoga wo up the plane hoga, और उस तरह से पूरा डेरिवेशन किया जा सकता है। दोबारा वो हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं वी मिन की। अगर तुम बात कर रहे हो वी मिन की बात कर रहे हो तो फॉर्मूले में यही बदलेगा, 1 - √10θ आता था, इधर 10θ प्लस न्यू आता था, तो ये पलट जाएंगे, साइन पलट जाएंगे। अगर तुम मिनिमम की बात कर रहे हो तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस होना ही चाहिए। फ्रिक्शन जरूर मैंने समझा दिया कि अगर तुम्हारी स्पीड काफी स्लो है तो तुम खाई में गिरोगे, तो एक्सपेक्टेड मोशन डाउनवर्ड्स है, तो फ्रिक्शन अप द प्लेन है। वो लाइन एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखी है इसलिए मैंने पढ़ा दी। इंपॉर्टेंट ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी भी चिंता मत करना कि टेन थीटा माइनस म्यू होगा कि म्यू माइनस टेन थीटा होगा, उसकी भी कोई खास चिंता मत करना, वो सब ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बस तुम ऊपर एक माइनस और नीचे प्लस की चिंता करो, ऊपर 10 थीटा माइनस म्यू है कि म्यू माइनस 10 थीटा है, जस्ट डोंट बॉदर, डोंट केयर अबाउट इट, ऑटोमेटिकली इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इट विल बी टेकन केयर ऑफ, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस यही ध्यान रखिए कि वी मिन की बात चल रही है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस होना ही चाहिए। अब मैं यहाँ तक की पूरी थ्योरी जो एनसीईआरटी में दी है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ तेजी में, हालांकि पूरी थ्योरी तो है ही नहीं, डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। हेडिंग एंड मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, कहता है वी कैन रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द कार इफ द रोड इज बैंक। पहले तो अंडर रूट म्यू आर जी में तो सब कुछ फ्रिक्शन पर ही निर्भर था, अब कह रहा रोड को थोड़ा उठा दो तो थोड़ा कम फ्रिक्शन होगा तो भी काम चल जाएगा। ऐसा ही कुछ लिख दीजिए, ऐसा ही लिख दीजिए, इफ डैश करके लिख दीजिए, इफ रोड इज स्मूथ, इफ रोड इज स्मूथ देन इट शुड बी बैंक्ड। रोड स्मूथ है तो इसमें बैंकिंग होनी चाहिए। तो अगर रोड स्मूथ है तो इसमें बैंकिंग होनी चाहिए, या ये भी लिख दीजिए कि ऑन अ बैंक रफ रोड लेसर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, ऑन अ बैंक रफ रोड लेसर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड देन अ फ्लैट रफ रोड देन दैट ऑन अ फ्लैट रफ रोड। हाँ ये पॉइंट अच्छे हैं, फ्लैट रफ रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा ही चाहिए आपको, और बैंकिंग कर देंगे तो थोड़ा सहारा बैंकिंग से मिल जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ फ्रिक्शन का ही एक कंपोनेंट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन का भी एक कंपोनेंट एन साइन थीटा आपका सेंट्रीपेटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। बैंकिंग से फ्रिक्शन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है।
ज्यादा रफ तो सड़कें होनी भी नहीं चाहिए, उनका अलग नुकसान है, ज्यादा रफ तो होनी भी नहीं चाहिए। तो बढ़िया फ्रिक्शन का और बैंकिंग का कॉम्बिनेशन इज सर्टेनली अ वेरी गुड सोल्यूशन। कहता वी कैन रिड्यूस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द कार इफ द रोड इज बैंक्ड सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन। वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ इक्वेशन, उससे इन्होंने एन निकाला, एफ को म्यू एन लिखा, एफ को म्यू एन लिखा, एन की इक्वेशन ये आ गई एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ हर जगह म्यू म्यू एस ले रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन नहीं, म्यू एस इंटू एन होता है अगर जरूरत पड़े तो। और फिर उसके स्टेप्स हमने किए नहीं है, वी मैक्स का फॉर्मूला पूरा अंडर रूट के अंदर आर जी, ऊपर टेन थीटा प्लस म्यू है, नीचे वन माइनस म्यू टेन थीटा। फिर कहता है उस 5.18 से अगर हम इसे वापस कंपेयर कर लें तो 5.18 यानी अंडर रूट म्यू आर जी था। तो कहता है वी सी दैट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ कार ऑन द बैंक रोड इज ग्रेटर दैट ऑन अ फ्लैट रोड। ये भी बात करके डैश लिख दीजिए भाई, पहले फ्लैट रोड पे, फ्लैट रफ रोड पे, फ्लैट रफ रोड पे वी मैक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट म्यू आर जी, और बैंक रफ रोड पे, बैंक रफ रोड पे वी मैक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा आर जी। तो वी मैक्स ऑन अ बैंक रफ रोड इज ग्रेटर देन वी मैक्स ऑन अ फ्लैट रफ रोड। अगर म्यू सेम है, अगर म्यू सेम है तो बैंक रफ रोड पे बल्कि आप गाड़ी तेज चला सकते हैं। बैंक रोड पे तो हमको गाड़ी चलाने में डर लगता है कि खाई में ना गिर जाए। अगर म्यू सेम है, म्यू तो करीब करीब सेम ही माना जाए, जो फ्लैट रोड पे म्यू है करीब करीब वही सिचुएशन बैंक रोड पे भी है, म्यू को सेम माना जा सकता है। तो ये भी बात आप थ्योरी के अलग से ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इसकी मैथमेटिक्स नहीं पूछेंगे शायद, क्योंकि वो ज्यादा लंबा फॉर्मूला है, और अगर कैलकुलेशन भी करवाएं तो उसके स्टेप्स भी ज्यादा होंगे, कैलकुलेशन में टाइम भी ज्यादा लगेगा। ऐसे सवाल आजकल दिए ही नहीं जाते हैं जिसमें कैलकुलेशंस में लंबा फॉर्मूला है, तो फिर डेफिनेटली कैलकुलेशन में भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये चेक करने के लिए वो ऐसी कोई बात कर सकता है कि अगर म्यू सेम है तो वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी, तो बैंक रोड पे हम गाड़ी ज्यादा तेज चला ही सकते हैं क्योंकि वहां नॉर्मल वेक्शन का एक कंपोनेंट भी सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायरमेंट को मीट करने में मदद कर रहा है। और फॉर्मूले है, यहाँ खाली म्यू है और यहाँ इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है, यहाँ ऊपर म्यू प्लस समथिंग है और नीचे तो तुम और वन से छोटी चीज से माइनस कर रहे हो, वन से छोटी चीज से डिवाइड कर रहे हो, ये डिनोमिनेटर डेफिनेटली वन से कम है। तो आंसर तो म्यू प्लस टेन थीटा से बड़ा ही है और यहाँ तो खाली म्यू है। तो हाँ, बस यही फिगर्स यही याद करिए। एक तो ये कि बैंकिंग कर देने से रोड पर अगर म्यू कम भी होगा तो चलेगा, और दूसरे अगर म्यू होगा तो बैंक रोड पर गाड़ी हम ज्यादा तेज चला सकते हैं कायदे से। फ्लैट रोड पे तो एन साइन थीटा नहीं है ना आपके पास, खाली म्यू पे डिपेंडेंसी है। बैंक रोड पे फ्रिक्शन भी आपकी मदद कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट भी आपकी मदद कर रहा है, ऐसा भी डैश करके लिख दीजिए समरी टाइप में। ऑन अ बैंक रफ रोड, ऑन अ बैंक रफ रोड फ्रिक्शन एज वेल एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एज वेल एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन provide centripetal force, friction as well as a component of normal reaction, of course friction ka bhi ek component chalega, utni bariki mein nahi jana hai, par friction ki koshish na kare 3 4 5 6 7 8 reading tak, mota mota andaaza lene ki koshish kare ki bas baatein kya ho rahi hain, ab wo friction hai ki friction ka component hai, ye perfection ki koshish shuru mein na ki jaye, shuru mein to bas ek idea hi liya jaye ki ha theek hai yaar samajh rahe hain ki idhar ek thoda sa friction bhi hai aur ek normal reaction bhi hai। While on a flat road, centripetal force is entirely provided by friction. Flat road पे सारा काम फ्रिक्शन को करना है। सर अगर बैंक रोड पर जो गाड़ी है वो चलाना मतलब हमारी स्पीड ज्यादा तेज हो सकती है, तो सर पहाड़ों पर स्पीड स्लो रखने को क्यों कहा जाता है, वहां भी तो बैंक रोड ही रहे। यार अब उसकी प्रैक्टिकल बात मत करो। ओके सर, ओके सर, मतलब उसके और बहुत सारे सडन ब्लाइंड टर्न आ जाते हैं ना, ब्लाइंड टर्न आते हैं, कोई गाड़ी दूर से आ रही होती है, आपको पूरी गाड़ी सामने तक रोड दिखती नहीं है,
मैथमेटिकली यही आ रहा है. वो प्रैक्टिकल सिचुएशन को आप भुला दो, उसको इग्नोर करो, चीजों को मिक्सअप मत करो, क्योंकि हमें ज्यादा रीजनिंग और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट ना करें तो सीरियस मिस्टेक कम होगी. आपकी आपका क्वेश्चन सोच अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, होना भी चाहिए, पर आइडियली इन माय ओपिनियन अगर आप स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको जरा डेली लाइफ से अलग करें. यस सर. क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स जो अभी आप पढ़ रहे हैं और जो डेली लाइफ में आप बचपन से देखते आए वो चीजें क्लैश होंगी. सत्य केवल ये है जो आप फॉर्मूले के रूप में पढ़ रहे हैं, बाकी सब पता नहीं हमें क्या रीजन है. हमें नहीं पता कि वो क्यों कहा जाता है कि पहाड़ पे गाड़ी भाई धीरे चलाओ. हमारे सामने आज जो मैथमेटिक्स है उससे बड़ा सच कुछ नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर होते होंगे. गाड़ी चलाने के रूल है कि जहां तक सड़क गाड़ी सड़क पूरी दिखती हो सिर्फ वहीं तक आप गाड़ी इतनी तेज बनाओ कि ब्रेक लगाओ तो वहां तक गाड़ी जाके रुक जाए, अचानक गाड़ी सामने आ जाएगी ना. देयर माइट बी सो मेनी रीजंस. अगर उन एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया जाए तो मेरी मैथमेटिक्स तो ये कहती है कि मैं बैंक रोड पे गाड़ी तेज चला सकता हूँ. डेफिनेटली यस. इसीलिए आइडियली योर इनक्विजिटिवनेस इज रियली वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी देयर टू बी एबल टू एंजॉय द सब्जेक्ट. बट अगर आप स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है और ये जो किताब मैथमेटिकली आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उन्हें प्लीज मिक्सअप मत कीजिए. आप थ्योरी से सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ मैथमेटिक्स से सोचिए तो आपका स्कोर बढ़ेगा और धीरे धीरे चीजें क्लियर भी हो जाएगी. मैथमेटिक्स से सोच पाना बड़ा ज्यादा उसमें सिली मिस्टेक का कोई चांस नहीं होता. थ्योरी से जब सोचते हैं तो हम कोई एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं कोई नहीं करते हैं, और फॉर्मूले में तो हर चीज इंक्लूड हो चुकी होती है. हर वो चीज जिस पे ये चीज वेलोसिटी डिपेंड करती है फॉर्मूले में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो चुके हैं, और थ्योरी में क्या पता कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है. थ्योरी से सोचना बंद करें, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना बंद करें. मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ. बहुत साल मैंने भी कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें, पर प्रैक्टिकल लाइफ में होती है रियल सिचुएशन और हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियलाइज्ड सिचुएशन, तो इनको मिक्सअप करना ही नहीं चाहिए. दैट इज अ रियल सिचुएशन गवर्न्ड बाय सो मेनी अदर फैक्टर्स एंड वी आर कंसीडरिंग ओनली आइडियलाइज्ड सिचुएशन, सिंप्लीफाइड सिचुएशन. तो इनका तो कोई रिलेशन होने का सवाल ही नहीं होता. एंड दे शुड नॉट बी रिलेटेड, दे शुड नॉट बी कंपेयर्ड. ये एक बात समझ में आ गई तो आपको बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे. प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम थ्योरी जो थ्योरी हमने बचपन से देखी है और आज जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उन लोगों को हम रिलेट करने हम अपने आंसर उस थ्योरी से देते हैं, उस एक्सपीरियंस से देते हैं जो हमने बचपन से देखा, और वो रियल सिचुएशन है और हमारे आंसर रियल सिचुएशन वाले हैं ही नहीं, सब सिंप्लीफाइड केसेस हैं. ये बात अगर आप समझ गए तो आपका काम बहुत आसान आ जाएगा. मैं आगे चल रहा हूँ. कहता है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 5.18 वी सी दैट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड इज ग्रेटर. ये लाइन एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखी है, तो बस रीजन की परवाह नहीं है. बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड इज ग्रेटर, खत्म बात. फिर कहता है अगर म्यू जीरो होगा तो वी ओ की वैल्यू रूट आर सी टेन थीटा आ जाएगी. वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ कि अगर बैंक रोड है पर फ्रिक्शन नहीं है तो वी करेक्ट का फॉर्मूला अंडर रूट आर सी टेन थीटा मैं तो शुरू से पढ़ा ही रहा हूँ. कहता है एट दिस स्पीड द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स. तो आप ये भी डैश करके लिख दीजिए. If the vehicle is driven at the correct speed, if a vehicle is driven on a banked road, a vehicle is driven on a banked road at correct speed, that is under root RG 10 theta. Vehicle को correct speed पे अगर आप चला रहे हैं under root RG 10 theta पे, then there is no need. Then even if friction is there, even if the road is rough, friction will not be generated. फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा बिकॉज देर विल बी नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउन द प्लेन और अप द प्लेन. फ्रिक्शन विल नॉट बी जनरेटेड बिकॉज देर विल बी नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउन द प्लेन और अप द प्लेन. अगर रोड रफ भी है तो भी गाड़ी में नीचे जाने की या ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी ही नहीं. तो बस इट विल कॉज लिटिल वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स. टायर्स का वेयर एंड टेयर आइडियली तो होगा ही नहीं, थोड़ा बहुत मान सकते हैं. ये रियलिस्टिक सिचुएशन दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं होगा ही नहीं. द सेम इक्वेशन ऑल्सो टेल्स यू दैट वी इज लेस देन वी नॉट. कहता अगर वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर वेलोसिटी वी मैक्स से कम होगी, थ्योरी से मैंने आपको बता दिया, अगर आप स्लो स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी में टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर काम करेगा. क्वेश्चन लिख दिया then frictional force will act up the plane. बस एक लास्ट क्वेश्चन लिख दीजिए आप कि what is the condition of parking a car on a banked road.
what is the condition of parking a car on a bank road? ये मेरे ख्याल से चार स्टार दे दिए जाएं इसको। तो अगर आप गाड़ी पार करना चाहते हैं तो आप अपनी मिनिमम आप गाड़ी की वेलोसिटी जीरो करना चाहते हैं ना, तो वी मैक्स वाले फॉर्मूले में जीरो नहीं, वी मिन वाले फॉर्मूले में जीरो डालो। तो वी मिन का स्क्वायर बाय आरजी है न्यू माइनस टेन थीटा, या टेन थीटा माइनस न्यू अपॉन वन प्लस न्यू टेन थीटा, और ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो टेन थीटा माइनस न्यू जीरो हो जाएगा, तो टेन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू न्यू प्लस आरजी। ज्यादा स्लोप ना हो ये कंडीशन ऑफ पार्किंग है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं, इसलिए हमें इसकी ज्यादा परवाह की जरूरत ही नहीं। हम तो वही बोलते हैं जो मैक्सिमम जो एंगल ऑफ रिपोर्ट था, अगर गाड़ी तुमने पार्क कर दी तो फिर तो ये नॉर्मल वाला केस हो गया ना, फिर गाड़ी चली कहाँ रही है? फिर तो अगर आप चाहते हो कि अगर एंगल ऑफ रिपोज की बात करनी चाहिए, फिर तो अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी नीचे ना जाए तो एंगल शुड बी लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। इंक्लिनेशन कम होना चाहिए, थीटा कम होना चाहिए, मतलब टेन थीटा कम होना चाहिए। तो रिजल्ट याद रखना है आपको, रीजन एक बार फिर याद नहीं रखना है। पार्किंग की कंडीशन ये है कि टेन थीटा जो एंगल शुड बी लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। रिजल्ट याद कर लीजिए, बाउंड्री केस है तो इक्वल टू भी कह सकते हैं। रिजल्ट याद रखना है आपको, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपको फाइनल कंक्लूजन याद होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। एग्जाम्पल 5.10 कर रहे हैं हम, द साइक्लिस्ट स्पीडिंग अप एट दिस मच ऑन अ लेवल रोड, इसने किलोमीटर पर आर में दी है। लेवल रोड पर हर ध्यान दे, टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, स्पीड उसने नहीं घटाई है। आप इसकी ज्यादा थ्योरी पे जाए नहीं, केवल मैथमेटिक्स की बात देखें। एक तो लेवल रोड कही है और एक स्पीड दी है जो कि हम मीटर पर सेकंड में लाएंगे। म्यू दिया है, विल द साइक्लिस्ट बी एबल टू टेक द टर्न। तो एक तो फ्लैट रोड है, तो वी मैक्स का मुझे फॉर्मूला पता है, रूट म्यू आर जी मुरझाना। तो अब आप देख लो आपकी जो स्पीड आ रही है वो आ रही है, इससे जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 2.94 स्क्वायर में आ रहा है। मतलब बस वही है कि अगर वी लेस देन ये जो वी मैक्स है, ये जो वी मैक्स है हमारी स्पीड है फिलहाल 18 into 5 by 18 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वी मैक्स की वैल्यू 5 से कम आ रही है तो आप टर्न ले पाओगे, है ना? हमारी जो स्पीड है वो वी मैक्स से कम होनी चाहिए, तो वी मैक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए तो हम टर्न ले पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला। आप टर्न ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ये आपको देखना है। लिख दीजिए, द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी लेस देन रूट म्यू आर जी। व्हीकल की स्पीड रूट म्यू आर जी से कम होनी चाहिए। तो रूट म्यू आर जी निकालो और देखो कि रूट म्यू आर जी ज्यादा है कि आपका वी ज्यादा है। आपका वी अगर ज्यादा है तो आप टर्न नहीं ले पाएंगे, गाड़ी बाहर स्किड हो जाएगी। और एग्जाम्पल 5.1 इसकी थ्योरी पढ़ लेता हूँ। कहता है ऑन एन अनबैंक रोड frictional force alone can provide the centripetal force needed to keep the cyclist moving in a circular turn without slipping. If the speed is too large or if the turn is too sharp, that is too small a radius or both, then the frictional force is not sufficient to provide the necessary centripetal force and the cyclist slips. So finally hame theory nahi karni hai, sirf mathematics hi mathematics karni hai. Ek do baar aap theory pad sakte hain, agli baar jab aap sawal ko dobara padhiyega to sirf iski mathematics kariyega khud hi, padhne ki zarurat nahi. For example 5.11 dekh raha hu, सर्कुलर रेस ट्रैक है, रेडियस इतना इज बैंक। पहले लेवल वॉज द की वर्ड, नाउ बैंक इज द की वर्ड। एंगल दिया है इसने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है इसने। कहता व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड, अच्छा वी ओ को ये ऑप्टिमम कह रहा था। ऑप्टिमम स्पीड यानी अंडर रूट आरजी टेन थीटा, ऑप्टिमम स्पीड यानी अंडर रूट आरजी टेन थीटा। तो ऑप्टिमम स्पीड तो न्यूमेरिकल में आ सकता है, ऑप्टिमम स्पीड वाली चीज पे मैं 5 स्टार देता हूं। पर खैर आगे सवाल में ये कह रहा है, ऑप्टिमम स्पीड पूछी है इसने, टू अवॉइड वेयर एंड टेयर ऑफ इट्स टायर्स, और फिर कह रहा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड।
तो वो तो बड़ा वाला फॉर्मूला आएगा, वी स्क्वायर बाय आरजी का फॉर्मूला है, अंडर रूट वी स्क्वायर बाय आरजी का फॉर्मूला टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। इसमें कैलकुलेशंस काफी लेंदी होंगी और ये पेपर में आने की कोई संभावना नहीं है, और इस बात का प्रूफ है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको नीट के भी देखने चाहिए, आपको एम्स के भी देखने चाहिए और आपको जेई मेन के भी देखने चाहिए। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ कि ना बैंक रोड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स। हाँ, कौन किसका कॉस थीटा किसका साइन थीटा ये तो नहीं मुझे मालूम, पर दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बात आप लिख दीजिए, डैश करके लिख दीजिए। ऑन बैंक रोड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन एंड एफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन एंड एफ प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स। बस फिर वो कह रहा है एट द ऑप्टिमम स्पीड द नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट इज इनफ। ऑप्टिमम स्पीड पे जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है वही काफी है, फ्रिक्शन अगर होगा भी तो जनरेट नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड या वो जनरेट नहीं होगा। तो ऑप्टिमम स्पीड का जो तुमने कम बड़ा वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसमें म्यू को जीरो डाल देना तो ऑप्टिमम स्पीड का आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी ने ऑप्टिमम स्पीड का अलग से डेरिवेशन नहीं किया, उसने कंप्लीट बड़ा वाला फॉर्मूला निकाला है और ऑप्टिमम स्पीड के लिए उसने म्यू को जीरो डाल दिया कि ऑप्टिमम स्पीड पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम म्यू को जीरो डाल देते हैं, उससे ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला आ रहा है अंडर रूट आरजी टेन थीटा। वही केवल इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यूज डालिए और ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू निकालिए, और मैक्सिमम वाली चाहिए तो वी मैक्स का फॉर्मूला डाल दीजिए। वी मैक्स के फॉर्मूले पे मुझे नहीं लगता कि न्यूमेरिकल आएगा, तो मैं ये समरी अगर दूं आपको, अगर समरी दूं तो एक है वी स्क्वायर बाय आरजी का फॉर्मूला म्यू, ये है फ्लैट फ्लैट रफ रोड पे, फिर वी स्क्वायर बाय आरजी का फॉर्मूला है बेसिकली तो है म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ये बैंक रफ रोड पे है जैसा कि एनसीईआरटी ने पढ़ाया, ये भी वी मैक्स है और ये भी वी मैक्स। ये ऑप्टिमम स्क्वायर बाय आरजी अगर चाहिए तो म्यू को जीरो डाल दो, म्यू को अगर जीरो डाल दोगे तो ऐसा आ जाएगा, ये ऑप्टिमम स्पीड है, ये बैंक रफ रोड पे ही है। ऑप्टिमम अगर स्पीड है तो फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा तो म्यू जीरो है, और वी मीन स्क्वायर बाय आरजी है तो फिर ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, ये भी बैंक रफ रोड पे है। और अगर कंडीशन ऑफ पार्किंग चाहिए, कंडीशन ऑफ पार्किंग ऑन बैंक रफ रोड तो टेन थीटा शुड बी लेस देन, मैं तो कहता हूं थीटा शुड बी लेस देन थीटा रिपोज, तो टेन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू टेन थीटा आर, सो टेन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू मीन। ये आज की क्लास की कंप्लीट समरी है, एंड इन माय ओपिनियन थिंग्स आर ओवर, सो ऑलराइट, गुड लक।